विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट PCM में। आज हम लोग हाई स्कूल हिंदी विषय का 2024 अनसॉल्व सेट संख्या 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे इस सॉल्व को बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं तो निश्चित ही आपके 70 से 80% इस एक ही जो है अनसॉल्व से मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सेट संख्या 6 पे। यहाँ देख रहे हैं सेट संख्या 6 है, पेपर कोड 801DF है। उसके बाद खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न पत्र आपका दो खंडों में विभक्त होता है, खंड आ खंड बा। खंड आ प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जिन्हें आप विकल्पों में से चयन करने होते हैं, और खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग खंडा के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। आ कह रहा है प्रेमचंद, बा कह रहा है गुलाब राय, सा कह रहा है इलाचंद्र जोशी, दा कह रहा है जयशंकर प्रसाद। तो साथियों, हंस पत्रिका का प्रथम संपादन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प आपका आ सही होगा, प्रेमचंद, विकल्प आ। दूसरा प्रश्न कर रहा है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आ कह रहा है रांगे राघव, बा धर्मवीर भारती, सा भगवती चरण वर्मा, दा मन्नू भंडारी। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा है, इसलिए विकल्प आपका सा सही होगा। प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। कह रहा है नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आ कह रहा कहानी है, बा कह रहा आत्मकथा है, सा कह रहा उपन्यास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, उपन्यासकार कह रहा है, उपन्यासकार नहीं बल्कि उपन्यास होना चाहिए। तो सा उपन्यास है, दा निबंध। तो नीड का निर्माण फिर ये विधा है आत्मकथा की, इसलिए विकल्प बात सही होगा, आत्मकथा। चौथा कह रहा है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। आ राजेंद्र यादव, बा राम विलास शर्मा, सा प्रभाकर माचवे, दा देवेंद्र सत्यार्थी। तो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक हैं वह आपके राजेंद्र यादव, इसलिए विकल्प आ सही होगा। पांचवा कह रहा है ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। आ प्रेमचंद, बाहर कृष्ण प्रेमी, सा जयशंकर प्रसाद, दा राम कुमार वर्मा। तो ध्रुव स्वामी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और इसके जो रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद जी, इसलिए विकल्प सा सही होगा। छठवां प्रश्न कह रहा है रीतकाल की रचना है। आ कह रहा है रामचरितमानस, बा कह रहा है प्रिय प्रवास, सा कह रहा है प्रेम माधुरी, दा कह रहा रामचंद्रिका। तो रीतकाल की जो रचना है वो है रामचंद्रिका, इसलिए विकल्प दा सही होगा। सातवां प्रश्न कर रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। आ कह रहा है सन 1919 ईस्वी, बा कह रहा है सन 1943 ईस्वी, सा कह रहा है सन 1953 ईस्वी, दा कह रहा है सन 1942 ईस्वी। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह सन 1943 ईस्वी, विकल्प बात सही होगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है लोकायतन के रचनाकार हैं। आ कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बा जयशंकर प्रसाद, सा सुमित्रा नंदन पंत, दा महादेवी वर्मा। तो लोकायतन के जो रचनाकार हैं वह सुमित्रा नंदन पंत, इसलिए विकल्प सा सही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 में कह रहा है बहुल अकेला के रचनाकार हैं। आ कह रहा है अशोक वाजपेयी, बा केदारनाथ सिंह, सा गजानन माधव मुक्तिबोध, दा नरेंद्र शर्मा। तो बहुल अकेला के जो रचनाकार हैं वह अशोक वाजपेयी जी, विकल्प आपका आ सही होगा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10 में कह रहा है रीतकाल किस समय अवधि में माना जाता है। आ सन 1600 से 1616 ईस्वी,
बा सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, सा कह रहा है सन 1643 से सन 1843 ईस्वी तक, दा कह रहा है सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो जो रीत काल का समय है वो सन 1643 से 1843 ईस्वी का समय है, इसलिए विकल्प आपका सा सही हो जाएगा। 11 भी आते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11 कह रहा है हास्य रस का अस्थायी भाव है, आ कह रहा भय, बा कह रहा विस्मय, सा कह रहा उत्साह, दा कह रहा हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, विकल्प दा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होते हैं, कह रहा कौन सा अलंकार वहाँ पे होता है, आ कह रहा रूपक अलंकार, बा कह रहा है उपमा अलंकार, सा उत्प्रेक्षा अलंकार और दा अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, इसलिए विकल्प बा सही होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, आ कह रहा 22, बा कह रहा 24, सा कह रहा 36, दा कह रहा 12। तो ध्यान देंगे रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए विकल्प बा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आ कह रहा है अन, बा कह रहा है आ, सा कह रहा है अन, दा कह रहा है ग्रह। तो आप ध्यान देंगे अनुग्रह शब्द में जो उपसर्ग है, उपसर्ग हम जानते हैं शब्द के पहले लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता उत्पन्न कर देता है, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वह अन, इसलिए विकल्प सा से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, कह रहा है आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, आ कह रहा महानता, बा कह रहा लिखाई, सा कह रहा लगता, दा कह रहा बचपन। तो देखिए आ महानता इसमें आई से कुछ लेना देना नहीं है, सा लगता इसमें आई से कुछ लेना देना नहीं है, दा बचपन इसमें आई से कुछ लेना देना नहीं, बा लिखाई इसमें आई आया हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ, इसलिए विकल्प बा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 पे आ जाते हैं, 16 कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है, आ कह रहा है कर्मधारय, बा कह रहा है द्वंद, सा कह रहा है दिग, दा कह रहा है तत्पुरुष। तो आप जानते हैं कि ये जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ दिग समास होता है और पंचवटी ये संख्यावाची है, इसलिए आपका विकल्प सात से हो जाएगा दिग। प्रश्न संख्या 17 पे आ जाते हैं, 17 कह रहा है सूरज का तत्सम रूप है, आ सूर्य, बा दिनकर, सा सूरज, दा प्रकाश। तो सूरज का जो तत्सम रूप होगा वो सूर्य होगा, इसलिए विकल्प आ सही है। 18 कह रहा है स्वागतम का संध विच्छेद है, आ कह रहा है स्वाधनागतम, बा कह रहा है सुधनागतम, सा कह रहा है साधनवागतम, दा कह रहा है सुधनवागतम। तो स्वागतम का जो संध विच्छेद होगा वो सही पे संध विच्छेद होगा सुधनागतम, विकल्प बा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे, कह रहा है फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन, आ कह रहा है द्वितीय विभक्त एक वचन, बा कह रहा है तृतीय विभक्त बहुवचन, सा कह रहा है षष्ठी विभक्त बहुवचन, दा कह रहा है पंचमी विभक्त एक वचन। तो जो फलात शब्द है वो पंचमी विभक्त और एक वचन का है, इसलिए विकल्प दा सही होगा। 20 कह रहा है हसत शब्द का पुरुष एवं वचन है, आ कह रहा मध्यम पुरुष द्विवचन, बा कह रहा उत्तम पुरुष एक वचन, सा कह रहा प्रथम पुरुष एक वचन, दा कह रहा उत्तम पुरुष बहुवचन। तो हसत शब्द प्रथम पुरुष का है और एक वचन है, इसलिए विकल्प सा सही होगा। ये प्रश्न संख्या 120 तक आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न हो गया। आइए अब वर्णात्मक प्रश्नों पर आते हैं खंडवा में। वर्णात्मक प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, गद्यांश आपका का दिया हुआ है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वो ये है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं, जहाँ उनमें और सब तरह की पहचान विभिन्नताएँ हैं वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से
बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। यह आपका गद्यांश दिया हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है नीचे। पहला कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है बापू ने क्रांत करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या एक को हल करते हैं। तो पाठ का नाम है गद्यांश जो दिया गया है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृत, लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए इसी नैतिक चेतना से लेकर के सम्यक एकता है यहाँ तक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, जिसके सहारे सहारे हमारे नगर और ग्राम, प्रदेश और विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियाँ सब आपस में बंधी हुई हैं। इसी एकता का ही परिणाम है कि उनमें सब तरह की पहचान, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं। तीसरा कह रहा है बापू ने क्रांत करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। बापू ने क्रांत करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। किसका सहारा? नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब आइए 21 के ही अथवा पे खाप वाले पे दोनों में से एक को करना होता है। खा में क्या दिया गया है? मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म आतिथ्य देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम छल करो। ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ये गद्यांश दिया गया है। संबंधित प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ वह किसने कहा और क्यों? वह पहले का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ रहा है। तो पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। आ जाते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या पर। रेखांकित अंश की व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या इन पंक्तियों में ममता अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर रही है। ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से भरकर सोचने लगे कि शेरशाह ने उसके पिता की हत्या की थी। ये मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्त है। धर्म में विभिन्नता के बावजूद हर व्यक्ति दया का पात्र होता है, किंतु विधर्मी दया के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ धर्मों के अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं। जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेरशाह, यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भरकर भावना शून्य हो गया। तीसरा करा वाक्य किसने कहा और क्यों, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो उसका उत्तर होगा यह वाक्य मुगल ने उस समय कहा जब ममता ने उस पर अविश्वास व्यक्त करते हुए उसे आश्रय देने से मना कर दिया था। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। 22 में कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश क्या दिया गया है, का दिया गया है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहूति सी गिर चढ़ी सीता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से। ये पद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश में
किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं कि ये किस पाठ से है। संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर, पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कवियत्री कहती हैं कि इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के बार बार होने वाले प्रहार सहन किए। वह वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रही और अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान वह मृत्युशैया पर चढ़ गई। देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गए और अग्नि के समान चमक उठे, उनका उज्ज्वल यश फैल गया। अब प्रश्न किया जा रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है तो उपर्युक्त पद्यांश में झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। आ जाते हैं खा वाले पे। खा कह रहा है किलकत कान घुटरुवन आवत मनमय कनक नंद के आगन बिंब पकरिवे धावत कबहु निरख हरि आप छाह को कर सौ पकरन चाहत किलक हसत राजत द्विदतिया पुनपुन तेह अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनपुन नंद बुलावत अचरा तरले ढक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो आइए सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ देख लेते हैं हम लोग। संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से अवतरित है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह आपका संदर्भ हो गया। अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है क्या है व्याख्या देखते हैं। बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मणियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं तथा आंगनियों मणियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी अपनी परछाई को जो मणियों पर पड़ती है हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं जिसमें उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखलाई पड़ते हैं। वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तीसरा कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। स्पष्ट ही है श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है तो उपर्युक्त पद्यांश में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। यह आपका तीसरे का उत्तर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 23 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी तक आपका हिंदी का गद्यांश दिया गया था और अब आपका संस्कृत का गद्यांश दिया गया है।
का कह रहा है, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सः चतुर ग्रामीणः कथयत्, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा इत्युभिज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यम्। वयम परस्परम प्रहेलिकां प्रच्छामः, यद् भवान उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यत् तदा भवान 10 रूप्यकाण दास्यत्। यद् वयम उत्तरं दातुं समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणां अर्धं 5 रूप्यकाण दास्यामः। अब कह रहा है, इसका संदर्भ लिखिए और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया। पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद, उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। हम थोड़ा जानने वाले हैं, आप बहुत जानने वाले हैं। यह सोचकर यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आइए 23 के अथवा पेखा पे पहुँचते हैं, जहाँ लिखा गया है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्या घट्टानाम वलय आकृति पंकति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, आगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानाच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्त। अब कह रहा है कि इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ इसका है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद इसका देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंकति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। आइए 24 के 24 प्रश्न क्या देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला पद्यांश क्या दिया गया है, कावाला, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारतीय संतति। अब इसका संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है और हिंदी में अनुवाद कह रहा है। तो पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद इसका देखें। हिंदी अनुवाद है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है और उसकी संतान भारतीय है। इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब 24 के अथवा खा वाले पे आ जाते हैं, जहाँ दूसरा पद्यांश दिया गया है। क्या है, माता गुरुतुरा भूमे खात पितु उच्चतर अस्त था। 24 के खा अथवा वाले पे आ जाते हैं। दिया गया है, माता गुरुतुरा भूमे खात
पितु उच्चतरस्थ था, मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तड़ात। कह रहे इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राण पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम है जीवन सूत्राण। हिंदी अनुवाद इसका देख लेते हैं क्या होता है। हिंदी अनुवाद है माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से अधिक ऊंचा है, मन वायु से अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनके से बढ़कर घनी है। इसका हिंदी अनुवाद हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 25 में। करा स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 25 को भी छोड़ दिया जा रहा है। इससे संबंधित मैं विशेष वीडियो मंडल वाइज जिला वाइज बना करके उपलब्ध करा दूंगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 26 पे। 26 में कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा कह रहा भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा ये जो तीनों लेखकों का जीवन परिचय पूछा जा रहा है ये मेरे पिछले वीडियो में तीनों लेखकों का जीवन परिचय उपलब्ध कराया जा चुका है। फिर भी इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एक बार पुनः मैं यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है जो जीवन परिचय में महत्वपूर्ण होता है जन्मस्थान, माता पिता का नाम, जन्म कर्षण, महत्वपूर्ण चीज़ों के नीचे अंडरलाइन किया गया है। देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। 12 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के 2-3 वर्षों के भीतर इनकी माता का भी देहांत हो गया। इस प्रकार 17 वर्ष की अल्पायु में इन्हें परिवार संचालन का भार संभालना पड़ा। यक्षमा के कारण प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी को हो गया। प्रमुख इनकी एक प्रमुख रचना पूछा जा रहा है तो एक ही पूछा गया है, मैं यहाँ एक से अधिक उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रमुख रचनाएँ हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त आदि। आइए प्रश्न संख्या 26 के खा पे पहुँचते हैं। 26 के खा में कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला कह रहा है तुलसीदास, दूसरा कह रहा बिहारी लाल, तीसरा कह रहा मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे ये तीनों कवियों के जीवन परिचय भी पिछले वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, सब वहाँ उपलब्ध हैं। फिर भी यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय एक बार पुनः मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में सभी लोगों का जीवन परिचय मौजूद है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारिल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका पालन पोषण स्वामी नरिहर दास ने किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। कहते हैं कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1632 ईस्वी में हुई। एक रचना पूछा जा रहा है इनका, यहाँ पे एक से अधिक रचनाएं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रामचरितमानस जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वर्वे रामायण, जानकी मंगल आदि। प्रश्न संख्या 27 पर पहुँच रहे हैं। 27 में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो।
कोई एक श्लोक लिखना है इसके अंतर्गत और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसके लिए बहुत ही आसान श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ी आसानी से कंठस्थ हो जाएगा। श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राण पश्यन माँ कश्चित दुग्भाग भवे। बड़ी आसानी से कंठस्थ हो जाएगा, बहुत ही आसान श्लोक है। प्रश्न संख्या 28 पे पहुँच रहे हैं। 28 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कह रहा है किसी दो के ही उत्तर देने हैं। अब इसमें प्रश्न पहला पूछ रहा है, अलछेंद्रा का आसीत, यानी अलछेंद्र कौन था। दूसरा कहा, चंद्रशेखरा स्वनाम की अकथयत, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया। तीसरा कह रहा है, सुखा नाम उत्तम किम स्यात, सुख में उत्तम क्या जाता है, सुखों में उत्तम क्या होता है। चौथा कह रहा, भारतीय संस्कृति का संगम स्थली, भारतीय संस्कृत की संगम स्थली कौन है। पांचवा कह रहा, कुत मरणम मंगलम भवत, कहाँ मरना मंगलकारी होता है। तो आइए देख लेते हैं इसे, अलछेंद्रा कहाँ आसीत। तो अलछेंद्रा यवन राजा आसीत, अलछेंद्र यवन यवन राजा था। दूसरा कह रहा, चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखरा स्वनाम आजादा ही कथयत, चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद ऐसा बताया। तीसरा कह रहा है, सुखा नाम उत्तम किम स्यात, तो इसका उत्तर होगा, सुखा नाम उत्तमा तुष्टि अस्त, मतलब सुखों में उत्तम संतोष होता है। चौथा कह रहा है, भारतीय संस्कृति काम संगम स्थली, तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कृति तो सर्वेशाम मतावलम नाम संगम स्थली, मतलब जो भारतीय संस्कृति है वो सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोगों की संगम स्थली है। पाँचवा, कुत मरणम मंगलम भवत, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 पे कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आ कह रहा है, जीवन में विज्ञान का महत्व पहला, दूसरा कह रहा है विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन। तीसरा कह रहा है वनों से लाभ, चौथा कह रहा है देश प्रेम, पांचवा कह रहा आतंकवाद कारण एवं निवारण। तो इसमें से एक दो विषय पर निबंध तो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वनों से लाभ, इसको मैं यहाँ इस विषय पर निबंध आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, और एक आध अगर बच रहा तो अगले क्षेत्र में मैं उसको भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। वैसे आतंकवाद कारण निवारण देश प्रेम विज्ञान का महत्व ये सब पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं विषय है वनों से लाभ। तो निबंध में सबसे पहले जो प्रस्तावना लिखना होता है, प्रस्तावना देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना है, हमारा देश प्राचीन काल से ही वन प्रधान रहा है, वन एक ऐसा गोदाम है जहाँ से हमें भोजन बनाने के लिए ईंधन, फर्नीचर के लिए लकड़ी व कागज के लिए लुगदी की प्राप्त होती है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, किसी भी देश की आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वन का महत्वपूर्ण स्थान है। वन बाढ़ पर नियंत्रण करके भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। आइए ये तो प्रस्तावना हो गया, अब देखते हैं वनों से लाभ क्या क्या है हमें। तो वनों से हमें दो प्रकार के लाभ होते हैं, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। देखिए वनों से हमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रकार के लाभ होते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष लाभ को देखेंगे। प्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, प्रत्यक्ष लाभ वनों से होने वाले कुछ प्रत्यक्ष लाभों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। क्या है, लकड़ी की प्राप्त। प्रत्यक्ष लाभ में पहले नंबर पर लकड़ी की प्राप्त, वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों से लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम तथा चंदन आदि की लकड़ियाँ मुख्य हैं। प्रत्यक्ष लाभ में आए दूसरे पर पहुँचते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति। वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्त होती है। वनों से हमें लाख, चपड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छालें, बांस एवं बेंत, जड़ी बूटियाँ इत्यादि प्राप्त होते हैं। अगला है पशुओं को चारा। पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में चारा हमें वनों से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वन पशु पक्षियों का पोषण भी करते हैं।
प्रत्यक्ष लाभ में अगले नंबर पे हम चलते हैं तो क्या है, आयुर्वेदिक एवं अन्य जड़ी बूटियों की प्राप्ति। भारतीय वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है जिनसे कई प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। ये आपके थे प्रत्यक्ष कारण, प्रत्यक्ष लाभ। अब आ जाते हैं अप्रत्यक्ष लाभ पर। तो वनों से हमें अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं जो इस प्रकार हैं। क्या है, जलवायु पर नियंत्रण। जलवायु पर नियंत्रण कैसे होता है वन के द्वारा, देखें वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके वन जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। वन तूफानी हवाओं को रोककर उनका वेग कम करते हैं जिससे उनसे होने वाले विनाश से रक्षा होती है। अप्रत्यक्ष लाभ में पर्यावरण संतुलन, देखें पर्यावरण को संतुलित कैसे करते हैं वन। वन कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर अपना भोजन बनाते हैं जबकि अन्य जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ नहीं पाती और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। वर्षा में सहायक, देखते हैं वन वर्षा में क्या कैसे सहायता करते हैं। वन वर्षा करने में मदद करते हैं, अतः वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ में अगला नंबर पे है रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं, वे तेज आंधियों को रोककर वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों में बांधकर रेगिस्तानों के प्रसार पर रोक लगाते हैं। आइए अप्रत्यक्ष लाभ में देखते हैं बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वनों से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है, भूमि का कटाव कम होने से नदियों और तालाबों में मिट्टी का भराव नहीं होता और बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। ये थे अप्रत्यक्ष लाभ। उपसंहार इसका देख लेते हैं, अंतिम में उपसंहार लिखना होता है। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के संगी एवं साथी बने रहे हैं। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब वह पूरी तरह से वनों पर ही आश्रित रहता था। उसके द्वारा प्रदत्त फूल फल कंदमूल आदि से ही अपना पेट भरता था। इस प्रकार वन तथा मनुष्य का नाता बहुत पुराना है। इस तरह से आपका सेट संख्या 6 पूरा हो जा रहा है और इसे आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही सहायक सिद्ध होगा सेट संख्या 6। अब इसके बाद सेट संख्या 7, इसका अगला पार्ट अब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों सहपाठियों से भी सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।